हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है सोल्डरिंग, यानी कि अपने आज जो है सोल्डरिंग चैप्टर है उस सोल्डरिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे उन सभी के बारे में आज यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बार हमने क्या सोचा है कि आपको दो टास्क दिए जाएंगे हर क्लास के अंदर, यानी कि दो क्वेश्चन आपसे को बताए जाएंगे, उनके आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने होंगे। तो पहला आज का क्वेश्चन रहेगा चेतावनी चिन्ह का कि पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, चेतावनी देना कि पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, ये आज का आपका जो है पहला क्वेश्चन रहेगा। इनके जो आंसर है वो आपको अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपने आगे वीडियो ख़त्म होने के उस टाइम बात करेंगे। तो इसका कमेंट सेक्शन के अंदर अभी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। तो इसके बाद में अपने क्लास शुरू करते हैं। तो जो सोल्डरिंग चैप्टर है उसके अंदर बात आती है सबसे पहले कि ये सोल्डरिंग है क्या, सोल्डरिंग किसको बोलते हैं, सोल्डरिंग किसको बोलते हैं। तो सोल्डरिंग किसको बोलेंगे, तो जब भी बात आएगी दो धातुओं के तारों की, यानी कि दो धातु के कोई भी तार है उन तारों को अगर हम लोग इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद में आपने अगर देखा है तो उसके ऊपर एक अलग से तीसरी धातु के तार के द्वारा जो है एक टांका लगा देते हैं, जिसको अपने देसी भाषा में काबिया बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल की भाषा में सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं उसके द्वारा। तो वो जो टांका लगाते हैं वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो टांका लगाने की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सोल्डरिंग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात आती है कि क्या था, इस तरीके से हमने क्या किया था, दो तारें थी उनको हमने इस जगह पे जोड़ा था, और जिसके बाद में हमने क्या किया था कि यहाँ पर काबिये के द्वारा इस जगह के ऊपर क्या किया था, टांका लगाया था। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हमने क्या बोला है, सोल्डरिंग बोला है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर जो तीसरी धातु हम लोग तार के लिए यूज़ कर रहे हैं उस तीसरी धातु को क्या बोलते हैं, तो तीसरी जो धातु है उसको क्या बोलेंगे, सोल्डर बोलेंगे, या फिर इसको तीसरी धातु को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो क्या बोलते हैं, फिलर धातु। तो फिलर धातु जो है आपकी, उसके बारे में भी हम लोग जो है पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं हैं, कितने प्रकार के या फिर सोल्डर है वो आपके इलेक्ट्रिकल के काम में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे आगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। तो अब बात आती है सोल्डरिंग जो है, इस सोल्डरिंग की प्रक्रिया की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। तो सोल्डरिंग की प्रक्रिया की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम लोग दो तारों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी खिंचाव आएगा, तो खिंचाव आने के बाद में क्या होता है कि वो तार टूटने का खतरा रहता है। तो वो खतरा ना रहे, और दूसरा अगर कोई दो तारें हैं अलग अलग है और इनको हम लोग सीधा यहाँ पे जोड़ रहे हैं जैसे, तो जोड़ने के बाद में क्या होगा कि ये जो जोड़ होगा ये हमारा मौसम के संपर्क में आएगा। तो ये जो हमारा जोड़ है ये मौसम के संपर्क में आने के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर अपने अगर देखा है तो अगर एल्यूमिनियम की वगैरह की तार होती है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का, या फिर अगर तांबे वगैरह की तार होती है तो उसके ऊपर पीले कलर का लगभग जो है पदार्थ जमने लग जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि दोनों जो तारें होंगी उनके बीच में संपर्क जो है स्थापित होना कम हो जाता है धीरे धीरे। तो कम होने के बाद में जो करंट है उसका प्रवाह की जो दर होगी वो भी कम हो जाएगी। तो करंट जो है वो सही से प्रवाहित नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या किया जाता है कि उसके ऊपर एक तीसरी धातु के ऊपर द्वारा एक टांका लगा के छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण आपकी जो दोनों तारें होंगी उसके अंदर से विद्युत धारा जो है आसानी से बह सकेगी। तो इसके बाद में अपने देखते हैं भाई जो सोल्डरिंग है उसके अंदर आपने जो सोल्डर है वो कितना प्रकार का आपका सोल्डर प्रयोग किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग के अंदर जो सोल्डर प्रयोग किया जाएगा इस सोल्डर को देखते हैं कि कितने प्रकार का सोल्डर होता है आपका। तो इस सारणी के द्वारा ही देख लेते हैं, सारणी के अंदर जितने भी आपके सोल्डर आते हैं इलेक्ट्रिकल के काम में यूज आते हैं
उन शोल्डर को अपने यहाँ पे कर लेते हैं। शोल्डर का प्रकार इस तरीके से साथ में सारणी आप बना सकते हो, बाद में बना लीजिएगा। क्योंकि एक्चुअल में जो टांका लगाया जाता है वो लगाया किस तरीके के द्वारा जाता है, तो गलनाक, गलनाक से मतलब क्या है कि एक जो तीसरी धातु आप यूज़ करते हो, उस तीसरी धातु को क्या करते हो, पिघलाकर और यूज़ करते हो। तो पिघलाने का काम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनाक बिंदु है वो भी देखा जाएगा कि किस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद में आपका जो है पदार्थ, यानी कि जिस पदार्थ का अपने तार यूज़ कर रहे हैं वो पिघल जाएगा, तो वो भी देखा जाता है। तो गलनाक उसके बाद में कार्य, यानी कि आपका जो शोल्डर होगा वो शोल्डर के अंदर सबसे पहली बात आएगी कि उस शोल्डर के प्रकार को हम लोग बोलेंगे क्या, उसके बाद में उसमें कौन कौन सी धातुएं प्रयोग की जाएगी, ठीक है, उसके बाद में गलनाक क्या होगा, उसके बाद में आपका कार्य कहाँ पे वो यूज होगा, उसके पहले शोल्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तम शोल्डर, यानी कि उत्तम शोल्डर। तो इसके अंदर आपका जो टिन और लेड जो धातुएं यूज होगी, उन धातुओं का अनुपात क्या रहेगा, वो धातुएं अपने देख लेते हैं। उत्तम शोल्डर के अंदर कौन कौन सी धातुएं यूज होगी, तो 60% टिन होगा और 40% जो है लेड होगा। और एग्जाम टाइम में बार बार ध्यान रखिएगा कि बार बार इससे रिलेटेड एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो वैद्युतिक कार्यों के अंदर शोल्डर प्रयोग किया जाता है उसमें किन किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले तो टिन और लेड का, उसके बाद में बात आती है कि कितने अनुपात में होता है, तो 60 और 40 के अनुपात में होता है। उसके बाद में बात आती है कि इसका जो गलनाक बिंदु है वो गलनाक बिंदु क्या होगा, तो लगभग 185 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका तापमान होता है, गलनाक बिंदु होता है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद में कार्य कहाँ पे यूज हो रहा है, ये कार्य कहाँ पे यूज होगा, तो आपका जो टीवी है, आपका टीवी है, रेडियो है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक के कार्य से मतलब क्या है, पीसीबी से जुड़े हुए कार्य। पीसीबी एक बार फिर से नई फुल फॉर्म आ गई है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी जो फुल फॉर्म है या फिर जो पूरे नाम है, एग्जाम टाइम में पूरे नाम पूछता रहता है, जैसे एमसीबी का पूरा नाम पूछ लेता है, ईएलसीबी का पूरा नाम पूछ लेता है, बीओआई का पूरा नाम पूछ लेता है, सीटीसी का पूरा नाम पूछ लेता है, तो अलग अलग जो पूरे नाम है वो आपके पूछे जाते हैं। तो पीसीबी का पूरा नाम क्या होगा, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा, पूरी की पूरी एक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो वो वीडियो आपके लिए जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर फुल फॉर्म आएगी उनके बारे में उसके अंदर रहेगा। अब आती है बात दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर का जो चालक होगा, दूसरे नंबर का आपका जो शोल्डर होगा, उस शोल्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, नरम शोल्डर, नरम शोल्डर। नरम शोल्डर जो है उसमें टिन और लेड का अनुपात क्या रहेगा आपका, तो 50% जो आपका शोल्डर का जो अनुपात रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिन और लेड के नरम शोल्डर बोलेंगे। उसके बाद में इसका जो गलनाक बिंदु है, वो गलनाक बिंदु क्या होता है, तो 205 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद में ये जो है अपने पिघलने लग जाता है। उसके बाद में इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो जो छोटे वैद्युतिक कार्य होते हैं, छोटे वैद्युतिक कार्य जो होंगे उनमें आपका जो है ये यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में बात आती है तीसरे नंबर पे कौन सा शोल्डर प्रयोग किया जाता है, तो तीसरे नंबर पे जो शोल्डर प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं घटिया, बोल सकते हैं घटिया या फिर निम्न, निम्न कैटेगरी का शोल्डर, घटिया या फिर निम्न कैटेगरी का शोल्डर, ये बहुत कम जो है यूज किया जाता है। इसके बाद में इसके अंदर कौन कौन सी धातुओं का जो अनुपात है वो क्या रहता है, तो वही अनुपात रहता है लेकिन जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका जो टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा, तो लगभग ये 230 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो शीट मेटल व्यवसाय जो है, शीट मेटल
कार्य जो है, शीट मेटल कार्य जितने भी है उनके अंदर आपका ये जो है यूज किया जाता है। उसके बाद में चौथे नंबर की बात आएगी, चौथे नंबर के अंदर शोल्डर कौन सा होगा, तो उसके बाद में आता है कठोर शोल्डर। कठोर शोल्डर, अब ये जो कठोर शोल्डर है, इस कठोर शोल्डर के अंदर कौन कौन सी धातुओं का अनुपात रहता है या फिर कितना अनुपात रहता है, तो लगभग 33% और 67% जो है इनके अंदर टिन और लेड का अनुपात रहेगा। और टेम्परेचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, तो 243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद में कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो प्लम्बर ट्रेड के जो कार्य हैं, प्लम्बर ट्रेड के जो कार्य हैं उनके अंदर आपका जो है कठोर शोल्डर है वो यूज़ किया जाता है। ये तो आपकी बात हो गई कि आपके जो धातुएं हैं उनकी जो तारें हैं उनके ऊपर जो टांका लगाते हैं वो इन धातुओं के तारों के द्वारा जो है लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम टाइम में किस तरीके के आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो अपने देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में सबसे पहले वो पूछता है कि वो जो कठोर शोल्डर है, ठीक है, कठोर शोल्डर के अंदर जो है कौन कौन सी धातुओं का अनुपात रहेगा, तो टिन और लेड का 33 और 67 का अनुपात रहेगा। दूसरा वो पूछता है कि ये बहुत कम पूछेगा लेकिन दूसरा पूछेगा ज़रूर कि वैद्युतिक कार्यों के लिए निम्न में से कौन सा शोल्डर प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी। उसके बाद में इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से आपको कौन सा चूज करना है, तो 60% टिन और 40% जो लेड का, 60% टिन और 40% लेड का जो अनुपात रहेगा वो जो शोल्डर होगा उसको आपको यूज करना है। उसके बाद में बात आती है उसके टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 185 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इस सारणी के अलावा भी आपका एग्जाम टाइम में वो पूछ लेता है किसके बारे में, तो उसके बाद में वो पूछता है एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम पे पूछा गया क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको। एल्यूमिनियम पे जो टांका लगाते हैं वो किसके द्वारा लगाते हैं, कितना शोल्डर उसके अंदर यूज किया जाता है, तो एल्यूमिनियम पे जो टांका लगाने के लिए जो शोल्डर यूज होता है एल्यूमिनियम पर शोल्डर जो टांका लगाने के लिए यूज होता है उसको एक तो नाम दिया गया है, पर्टिकुलर नाम क्या है उसका, अल्का पी जो है वो इसको नाम दिया गया है। अल्का पी के नाम से उसने एक शोल्डर बनाया जिसको उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के ऊपर टांका लगाने के लिए यूज किया। अब बात आती है इस अल्का पी जो नाम का शोल्डर है इसके अंदर कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण रहता है, तो अल्का पी के अंदर जो है कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण रहेगा, तो आपका जो 51% है, आपका 51% इसमें क्या रहेगा, सीसा रहेगा। इसके साथ में आपका जो है 31% टिन रहता है, उसके साथ में आपका जो है 9% जस्ता रहता है और 9% जो है आपका कैडमियम रहता है। इसके अंदर अल्का पी के अंदर क्या चीज़ें रहती है, तो अल्का पी के अंदर 51% सीसा, 31% टिन, 9% जस्ता और 9% ही कैडमियम आपका रहता है। तो एग्जाम टाइम में वो पूछ सकता है ये क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम पर जो टांका लगाया जाता है उस शोल्डर को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले अल्का पी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के ऊपर जो टांका लगाने के लिए जो शोल्डर अल्का पी यूज होता है उसमें कौन कौन सी धातुओं को यूज करते हैं मिश्र धातु के रूप में, तो उसके अंदर सीसा, टिन, जस्ता और कैडमियम यूज करते हैं, और किस अनुपात में यूज करते हैं, तो 51, 31, 9, 9 के अनुपात में यूज करते हैं। इस तरीके का पेपर में क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा भी एक प्रकार का शोल्डर आपकी बुकों के अंदर है और दिया गया है, उस शोल्डर को बता देते हैं, तो उसके कोई नाम नहीं दिया गया है उसको, शोल्डर का भी सीधा ही मिश्रण धातु के रूप में बताया गया है। उसके अंदर 70% आपका टिन दिया गया है, 70% टिन, उसके साथ में 25% जस्ता, 3% एल्यूमिनियम, 3% एल्यूमिनियम और 2% जो है फास्फोरस ब्रोंज दिया गया है।
ये आपका जो है दूसरा शोल्डर है वो यूज़ किया गया है एल्यूमिनियम के ऊपर टांका लगाने के लिए। ये तो बात हो गई शोल्डर की कि शोल्डर के अंदर सबसे पहली बात कि कितने शोल्डर आते हैं, तो चार शोल्डर आते हैं, नरम शोल्डर, उत्तम शोल्डर, कटिया शोल्डर और कठोर शोल्डर। ये कठोर शोल्डर को कई बुकों के अंदर दो और दिए गए हैं, सिल्वर और स्पेल्टर शोल्डर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एग्जाम टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या फिर वो पूछ सकता है कि कौन सा शोल्डर अपने इलेक्ट्रिकल के कामों में यूज होता है, तो नरम शोल्डर या फिर उत्तम शोल्डर बोल सकता है अपने, यानी कि नरम शोल्डर बोल सकते हैं कि नरम शोल्डर अपने वैद्युतिक कार्यों के लिए कौन सा यूज होता है, तो नरम शोल्डर यूज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में घटिया या जो कठोर शोल्डर है वो अपने यहाँ पर यूज नहीं होते हैं और कई अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं। और ये जो आपके उत्तम शोल्डर हैं, ठीक है, ये किस रूप में मिलते हैं, तो इस ये आपके एक तार के रूप में मिलते हैं दुकानों पर। उसके अलावा इनकी बात करते हैं कठोर शोल्डर की, तो ये किस रूप में मिलती है, तो छड़ के आकार में मिलते हैं। छड़ के आकार से मतलब है कि आपने अगर देखा है तो वेल्डिंग वगैरह की दुकान होती है, उसके ऊपर जो टांका लगाने के लिए या फिर जो बोलते हैं वेल्डिंग करने के लिए जो तार यूज़ करती है, रोड यूज़ करते हैं, वो एक छड़ के रूप में होती है। तो वो सारे के सारे अलग अलग प्रकार के अंदर भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। इसके बाद में अपने करते हैं फ्लक्स। तो अपने देखते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या भला है, उसको देख लेते हैं अभी भाई। एक्चुअल में फ्लक्स होता क्या है वो देखते हैं, और कौन कौन सा जो फ्लक्स है वो आपका इलेक्ट्रिकल के कामों में यूज होता है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। किसको बोलेंगे, तो फ्लक्स फ्लक्स सोल्डरिंग के अंदर हम लोग फ्लक्स किसको बोलेंगे, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आप, मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोग क्या करते हो, दो तारों को यहाँ पे जोड़ते हो, और जोड़ने के साथ साथ आप क्या करते हो कि इस तारों को जोड़ने के लिए काबिया यूज़ करते हो या फिर सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हो। इस तरीके से, और यहाँ पर आप पहले क्या करते हो कि एक आपने देखा होगा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसको लगाते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आप जो सोल्डरिंग करने के लिए जो आप तीसरा जो चिपचिपा सा जो पदार्थ यूज़ करते हो, उस चिपचिपे पदार्थ को ही हम लोग यहाँ पे जो यूज़ होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये फ्लक्स यूज़ होता किस लिए, तो फ्लक्स किस लिए यूज़ होगा, तो फ्लक्स यूज़ होगा आपका जो जोड़ होगा उस जोड़ को सही तरीके से साफ करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया पीछे कि जब आप इन दोनों तारों को काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर अगर छोड़ दोगे तो उनके ऊपर आप देखोगे कि एक महीन परत जमा होने लग जाती है, जिसके कारण जो जोड़ है वो जोड़ आपका सही नहीं रखता और उसके ऊपर सोल्डरिंग जो है वो सोल्डरिंग सही तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए क्या किया जाता है कि उसके ऊपर एक फ्लक्स जो है वो चिपचिपे से पदार्थ के रूप में अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग फ्लक्स यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो जोड़ होगा उस जोड़ को साफ किया जा सके। तो इसके लिए फ्लक्स यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रकार का। तो वो अपने देख लेते हैं कि कौन से धातु के अंदर कौन कौन से प्रकार का आपका फ्लक्स है वो यूज़ किया जाता है, वो सारे की सारी चीज़ें अपने यहाँ पे देखते हैं भाई। तो फ्लक्स कौन कौन सा यूज़ होगा, तो पहले अपने सारणी के द्वारा ही देखते हैं, क्रम संख्या, क्रम संख्या। उसके बाद में दूसरा अगर नाम रहेगा फ्लक्स का, प्रकार। और तीसरा जो कॉलम अपने बनाते हैं वो फ्लक्स का प्रयोग, फ्लक्स का प्रयोग कि फ्लक्स का कहाँ कहाँ पे आपका जो है कौन सा फ्लक्स कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है उसको देख लेते हैं। क्रम संख्या एक के अंदर क्या आएगा, कौन से प्रकार का फ्लक्स आएगा उसको देख लेते हैं अपने। तो क्रम संख्या एक के अंदर जो फ्लक्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बेरोजा या फ्लक्साइट, बेरोजा या फिर फ्लक्साइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक नंबर पर ही हो, इसको दो नंबर तीन नंबर पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो दोनों के अंदर जो मैटर रहेगा वो मेन रहेगा। तो इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो वैद्युतिक, कार्यों में, वैद्युतिक कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। वैद्युतिक कार्यों से क्या मतलब है, कि वैद्युतिक कार्यों से मतलब है कि आपका तांबा है या पित्तल है
के तार या जोड़, यानी कि आपका जो फलक साइड जो जो बेरोजा है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो वैद्युतिक कार्यों में, यानी कि तांबे और जो पीतल के जो जोड़ वगैरह है या फिर अपने बोल सकते हैं तार वगैरह है, जहाँ जहाँ पर भी प्रयोग की जा रही है वहाँ पर सभी जगहों पे कौन सा यूज़ होगा, आपका बेरोजा या फिर फलक साइट है यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आयर नंबर 7। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम के जितने भी आपके कोई जोड़ वगैरह है, तारे वगैरह यूज़ करनी है, वहाँ पर जो फ्लक्स के रूप में यूज़ किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयर नंबर 7 जो प्रकार का जो फ्लक्स है वो वहाँ पे एल्यूमिनियम के जो तार है उनके ऊपर यूज किया जाता है। एग्जाम टाइम में पीछे भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भाई, ध्यान रख लेना। उसके बाद में तीसरे नंबर का जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा। उसके अंदर कौन कौन सी जो धातुएं हैं उनके ऊपर आपका जिंक क्लोराइड यूज किया जाएगा, तो जस्ता, जस्ते के ऊपर नॉर्मली जो है कौन सा आपका यूज किया जाएगा, जिंक क्लोराइड नाम का जो फ्लक्स होगा, जिस जस्ते से बनी हुई धातुएं होंगी उनके ऊपर अगर टांके लगाने की बात आएगी तो जिंक क्लोराइड यूज किया जाएगा। इसके बाद में चौथे नंबर पर आपका आएगा हाइड्रो क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका यूज कहां पे किया जाता है फ्लक्स के रूप में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है जीआई तार या चादरें। जीआई तार या चादरें जितनी भी होगी उनके ऊपर फ्लक्स के रूप में कौन सा यूज किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाएगा। उसके बाद में बात आती है पांच नंबर की, पांच नंबर पे कौन सा फ्लक्स यूज किया जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद में बात आती है सुहागा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद में बात आती है सुहागा नाम का जो फ्लक्स है वो कहां पर यूज किया जाता है, तो सोने और चांदी सोने और चांदी के ऊपर जो टांका लगाया जाता है वो कौन सा होता है, फ्लक्स सुहागा होता है। सोने और चांदी के ऊपर जो टांका लगाया जाता है वो फ्लक्स कौन सा होता है, सुहागा होता है। सोने पे सुहागा, वही सुहागा ही, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्लक्स के प्रकार में कि कौन कौन सा फ्लक्स कहाँ पे यूज होता है, तो जब भी बात आएगी कि वैद्युतिक कार्य में कौन सा फ्लक्स यूज होता है, तो वैद्युतिक कार्य में कौन सा, तो बेरोजा या फ्लक्स साइट। एल्यूमिनियम के तारों पे कौन सा यूज होगा, तो आयर नंबर सेवन। और एल्यूमिनियम के तार के ऊपर जो है सोल्डर कौन सा यूज होगा, तो अल्का पी। उसके बाद में जस्ते के ऊपर कौन सा सोल्डर होगा, तो जिंक क्लोराइड। उसके बाद में जीआई के तार के ऊपर अगर सोल्डर यूज करना है तो कौन सा सोल्डर होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में बात आएगी सोने चांदी पे अगर टांका लगाना है तो कौन सा फ्लक्स यूज होगा, तो आपका सुहागा जो फ्लक्स है वो आपका सोने चांदी के ऊपर जितने भी टांके लगाने होंगे वहां पे फ्लक्स के रूप में यूज किया जाएगा। इसके बाद में अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अपने दूसरा क्वेश्चन आपको जो पहले क्वेश्चन टास्क दे चुके हैं, दूसरा टास्क देख लेते हैं क्या है। आपका दूसरा टास्क के अंदर क्वेश्चन क्या रहेगा वो देख लेते हैं अभी। आपका दूसरा टास्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, दूसरा टास्क का क्वेश्चन है तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है। और डीएमआरसी के 2020 का जो एग्जाम था डीएमआरसी का, उसके अंदर यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया तांबे का। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में अपने आगे शुरू करते हैं कि सोल्डरिंग की विधियाँ कौन कौन सी है। तो सोल्डरिंग की विधियाँ इसके बाद में अपने देखते हैं कि सोल्डरिंग की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा आपकी जो सोल्डरिंग है वो की जाती है, ये चीज़ देख लेते हैं। सोल्डरिंग की विधियाँ, तो सोल्डरिंग की तीन विधियाँ हैं नॉर्मली इलेक्ट्रिकल की लाइन में बताया गया जिनके बारे में। तो पहली विधि कौन सी है, पहली विधि है सोल्डरिंग आयरन द्वारा। पहली विधि कौन सी है, सोल्डरिंग आयरन द्वारा, आयरन द्वारा, सोल्डरिंग आयरन द्वारा। दूसरी विधि है ब्लो लैंप द्वारा। तीसरी विधि है सोल्डरिंग पत्र या कड़छी द्वारा। ये तीन विधियां आपकी जो है नॉर्मली इलेक्ट्रिकल की लाइन में सोल्डरिंग के लिए यूज की जाती है। अब बात आती है, ये तो तीन विधियों की बात होगी कि कौन कौन सी तीन विधियां आपकी सोल्डरिंग के अंदर यूज होती है, ये किस तरीके से होती है, या एग्जाम टाइम में इनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायग्राम आपके साथ साथ में आते रहेंगे। अगर आप देख रहे हो तो सोल्डरिंग आयरन और फ्लक्स और उसके साथ साथ में सोल्डर का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो सोल्डरिंग आयरन से क्वेश्चन क्या उठते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन सोल्डरिंग आयरन से उठता है, सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन है वो एग्जाम टाइम में पूछ लिया जाता है। तो किसकी बनी होती है सोल्डरिंग आयरन की बिट, तो तांबे की, यानी कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होगी, तांबे की। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, तो सोल्डरिंग आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट है आपका वो नाइक्रोम जो धातु है उसका सोल्डरिंग आयरन का आपका हीटिंग एलिमेंट बना होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो नाइक्रोम जो धातुएं होती है वैद्युतिक पदार्थ नाम से जो वीडियो आई हुई है उसके अंदर, जो नाइक्रोम जो धातु है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर आपकी जो नाइक्रोम धातु है उसका ही यूज़ हीटिंग एलिमेंट के तौर पर किया जाता है। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो। तो उसके बाद में तीसरी जो चीज़ है कि जो सोल्डरिंग आयरन के दो यूज है, सोल्डरिंग आयरन का जो यूज है वो वैद्युतिक कार्यों के अंदर कितने कितने वोल्ट का या कितने कितने वाट का होता है, तो 25 वाट, 65 वाट, 125 वाट के जो सोल्डर है वो यूज किए जाते हैं, और 250 वोल्ट की सप्लाई पे काम करने वाले जो वैद्युतिक कार्यों के अंदर सोल्डर है वो यूज किए जाते हैं। यानी कि एग्जाम टाइम में पूछ लेता है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, तो तांबे की। उसके बाद में हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। उसके बाद में कितने कितने वाट या कितने कितने वोल्ट के सप्लाई के ऊपर काम करने वाले सोल्डरिंग आयरन वैद्युतिक कार्यों में यूज होते हैं, तो आपके 25 वोल्ट, 65 वोल्ट और 125 वाट के जो हीटिंग एलिमेंट जो आपके सोल्डरिंग आयरन है वो यूज किए जाते हैं, और 250 वोल्ट की सप्लाई पर काम करने वाले सोल्डरिंग आयरन यूज किए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ब्लो लैंप की। ये तो तीनों चीजें हो गई आपकी सोल्डरिंग आयरन की, तो ब्लो लैंप की बात आएगी। ब्लो लैंप का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो ब्लो लैंप के डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि वो एक जो है
क्या होता है कि उसके अंदर लीटर के हिसाब से पेपर में क्या पूछता है कि इसका जो है माप किस हिसाब से लेते हैं, तो ये लगभग जो है 500 ग्राम 500 मिलीलीटर या फिर 1/2 लीटर कह सकते हैं, या फिर 1 लीटर जो है दो आपके वजन के अंदर ये आते हैं, उसके अंदर जो तेल भरा जाता है वो तेल जो है भरने की जो लिमिट होगी उस लिमिट के आधार पर ब्लो लैंप को बांटा गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में इसमें क्या होता है कि आपका ब्लो लैंप आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्या किया जाता है कि जोड़ जो है उस जोड़ को गर्म किया जाता है और साथ साथ में उसके ऊपर शोल्डर को पिघलाया जाता है और ब्लो लैंप के द्वारा इस तरीके से टांका लगाया जाता है। उसके बाद में तीसरी विधि सोल्डरिंग पात्र या कड़छी द्वारा, तो सोल्डरिंग पात्र या कड़छी द्वारा क्या होता है ब्लो लैंप के द्वारा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक कड़छी यूज़ की जाती है और उस कड़छी के अंदर जो आपका जो शोल्डर है उस शोल्डर के टुकड़े कर दिए जाते हैं और कड़छी के अंदर डाल लिए जाते हैं और आपका ब्लो लैंप से उसको कड़छी को गर्म किया जाता है, जिसके बाद में शोल्डर पिघल जाता है और पिघलने के बाद में उसको जाके जोड़ के ऊपर उड़ेल दिया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है, जिससे भी टांका लगाया जा सकता है। ऐसा टांका कहाँ पर लगेगा, तो जो भूमिगत तारे वगैरह है जहाँ पर शोल्डर लेके जाना संभव नहीं हो सकता वहाँ पर पहले से जो आपका क्या किया जाता है टांका जो शोल्डर है उसको पिघला के और वहाँ पर ले जाके लगाया जाता है। इस तरीके से सोल्डरिंग की जो विधियां हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम टाइम में केवल और केवल ज़्यादातर इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड पूछेगा तो ये दो ही पूछेगा, इससे पूछेगा तो ये तीन ही पूछेगा। उसके बाद में जो बेसिक जो चीज़ें हैं क्या है सोल्डरिंग के लिए, तो बेसिक चीज़ें ये है कि सोल्डरिंग जो है वो आपको करनी है अगर, तो सोल्डरिंग के लिए सबसे पहले जोड़ को साफ करना चाहिए। सोल्डरिंग के लिए जो है वो आपको क्या करना है कि सोल्डरिंग के लिए जो धातु है उस धातु के ऊपर ऐसे नहीं है कि सोल्डर को पिघला के और आप लेके जा रहे हो, नहीं, जोड़ के ऊपर ही आपको सोल्डर को पिघलाना होता है। तो ये बेसिक सी तीन चार चीज़ें हैं। उसके बाद में अपने कंपैरिजन करते हैं सोल्डरिंग वेल्डिंग और ब्रेजिंग के अंदर, तो ये अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो अभी अपने क्या देखते हैं कि जो सोल्डरिंग ब्रेजिंग और वेल्डिंग जो है उन दोनों तीनों के अंदर आपके क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं अपने कि तीनों के अंदर क्या क्या मेनली डिफरेंस है और क्या क्या अंतर है। तो तीनों में सोल्डरिंग ब्रेजिंग और वेल्डिंग, सोल्डरिंग ब्रेजिंग और वेल्डिंग तीनों के अंदर अपने कंपैरिजन करते हैं, तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तीनों के अंदर किन किन चीज़ों का अंतर है। तो सोल्डरिंग के अंदर जो टांका लगाया जाता है धातु की जो टांका लगाया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, तो इसके अंदर आपका टिन और लेड का क्या किया जाता है टांका लगाया जाता है। सोल्डरिंग के अंदर टिन और लेड का टांका लगाया जाता है और इसमें किस किस चीजों का टांका लगाया जाता है, तो पित्तल, पित्तल जो धातु है उसका टांका किस में लगाया जाता है, तो ब्रेजिंग में लगाया जाता है। उसके बाद में बात आती है वेल्डिंग की, तो इसमें क्या होता है कि जो धातु के ऊपर आपको जिस धातु के ऊपर टांका लगाना है, जिस धातु पर टांका लगाना है उसी धातु का शोल्डर होता है, उसी धातु का शोल्डर होता है, यानी कि सोल्डरिंग के अंदर जो टांका लगाया जाएगा वो टिन और लेड का लगाया जाएगा और जो ब्रेजिंग के अंदर जो टांका लगाया जाएगा वो पित्तल का लगाया जाएगा, वेल्डिंग के अंदर जो टांका लगाया जाएगा वो जिस धातु का लगाया जाएगा उसी मतलब जिस धातु पर टांका लगाया जा रहा है उसी धातु का आपका क्या किया जाता है जो शोल्डर है या फिर जो तार है शोल्डरिंग के लिए वो यूज की जाती है। उसके बाद में बात आती है कि जो शोल्डरिंग के अंदर जो टांका लगाया जाता है वो एक्चुअल में शोल्डरिंग आयरन ब्लो लैंप के द्वारा, सोल्डरिंग आयरन या
ब्लो लैंप के द्वारा आपका जो है टांका लगाया जाता है। इसके अंदर जो टांका लगाया जाता है आपका वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो लैंप, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो लैंप के द्वारा आपका क्या किया जाता है, आपका टांका लगाया जाता है। उसके बाद में बात आती है कि वेल्डिंग के अंदर किसका टांका लगाया जाता है, तो वेल्डिंग टॉर्च या आर्क वेल्डिंग के द्वारा आपका जो वेल्डिंग के अंदर है टांका लगाया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, सोल्डरिंग के अंदर टांका लगाया जाता है तो सोल्डरिंग आयरन या ब्लो लैंप के द्वारा, ब्रेजिंग के अंदर तो वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो लैंप के द्वारा, और वेल्डिंग के अंदर तो वेल्डिंग टॉर्च या फिर आर्क वेल्डिंग के द्वारा आपका टांका लगाया जाता है। तो उसके बाद में बात आती है इसमें जोड़ की धातु को नहीं पिघलाते हैं, इसमें भी नहीं पिघलाते हैं लेकिन इसमें पिघलाते हैं, इसमें जोड़ की धातु को नहीं पिघलाते हैं और इसमें भी नहीं पिघलाते हैं और इसमें पिघलाते हैं। क्योंकि देखिए मैंने बोला था कि इसमें टिन और लेड का टांका लगाया जाता है, इसमें पीतल का, और इसमें अगर आप देखोगे तो उसी धातु का टांका लगाया जा रहा है जिस धातु की आपके जो है काम है, यानी कि जिस धातु के ऊपर आपको टांका लगाना है उसी धातु का आप सोल्डर यूज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि उस धातु को ही पिघला रहे हो आप, तो इसके अंदर मतलब क्या है कि जिस धातु पर टांका लगाया जाता है जोड़ की धातु को नहीं पिघलाते और इसमें भी नहीं पिघलाते लेकिन इसमें पिघलाते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो ब्रेजिंग का जो जोड़ होगा वो सोल्डरिंग से क्या होगा, सोल्डरिंग से मजबूत। उसके बाद में बात आएगी जो आपका वेल्डिंग का जो जोड़ होगा वो सोल्डरिंग या फिर आपका जो ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग के जोड़ से मजबूत। उसके बाद में तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो सोल्डरिंग टॉपिक है उस सोल्डरिंग टॉपिक को क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं कि इसके अंदर किस टाइप के आपके प्रश्न उत्तर रहते हैं, उसके अलावा जो है कौन कौन से आपके पार्ट है जिसमें फ्लक्स है, सोल्डर है या सोल्डरिंग की विधियां हैं या फिर अपने सोल्डरिंग ब्रेजिंग या वेल्डिंग के अंदर कंपेरिजन है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। और आगे जो है इनके प्रैक्टिकल वगैरह है वो भी आपको जल्दी मिलेंगे। तो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि उन वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अगर हमारी कुछ गलतियाँ हैं तो गलतियाँ भी हमें ज़रूर बताइए ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम अपनी उन गलतियों को सुधार कर सकेंगे और ताकि आपको लिए जो सही आंकड़े हैं वो बिल्कुल लेके आ सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।